हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर स्टडी किया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट जिस वायर से करंट फ्लो करता है उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ये हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है मैग्नेटिक फोर्स तो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है उसका फार्मूला आपको पता है क्या है एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी एल क्रॉस बी ये लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया अब वायर स्ट्रेट नहीं है अब वायर स्ट्रेट नहीं है तो कोई भी अर्बिट्रेरी शेप का हमने वायर कंसिडर किया है और उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा नाउ अ फिगर शोज़ द वायर ऑफ़ अर्बिट्रेरी शेप तो वायर कोई भी शेप का हमने ले लिया है अर्बिट्रेरी शेप का नाउ अब इसमें से हम स्मॉल पोर्शन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पहले निकालेंगे तो सपोज़ हमने वायर का छोटा सा पोर्शन ले लिया डी कितना स्मॉल इनफाइनाइट टेसिमेल बहुत ही छोटा हमने सरफेस ले लिया डी अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आय कितना करंट फ्लो कर रहा है वायर से आय ना तो अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा वो हमें कैलकुलेट करना है तो इस छोटे से पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा अब इस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड वापस कहाँ आ रही है देखो पॉइंट है मीन्स बाहर आ रही है इस पेज से वो बाहर आ रही है जैसे लास्ट टाइम था वही कंडीशन है सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इस फील्ड को क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा अब हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है अब यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा ये स्मॉल वायर के लिए स्मॉल पीस ऑफ वायर के लिए होगा तो इसे हम कहेंगे डी एफ एम क्या कहेंगे स्मॉल फोर्स पूरे वायर के लिए नहीं हम फाइंड कर रहे हैं हम किसके लिए इतने से पोर्शन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं सो so फोर्स क्या होगा डी एफ एम इज टू आई इन टू एल की जगह क्या आ जाएगा डी एल क्रॉस बी डी एल क्रॉस बी अब ये हो गया छोटे से वायर के लिए फोर्स अब टोटल वायर के लिए अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये एक डी ले लिया यहाँ एक डी एल करेंगे उसका फोर्स फाइंड आउट करेंगे देन यहाँ एक डी लेंगे उसका फोर्स फाइंड आउट करेंगे ऐसे बहुत सारे वायर के टुकड़े लेंगे उसका फोर्स फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे लेकिन ऐड करने के लिए जब मीडियम कंटिन्यूस होता है तो डायरेक्ट हम एडिशन नहीं करते उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन तो इस केस में हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन द टोटल दोटल दोर्स ऑनथ एल और द फोर्स ऑन द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज गिवन बाय फोर्स ऑन द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज गिवन बाय इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एम इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी अब देखो बी तो हमारा यूनिफॉर्म है मीन्स हर जगह बी का वैल्यू सेम रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है तो हम इंटीग्रेशन सिर्फ किसका लेंगे वायर की लेंथ का क्योंकि उसका एडिशन होगा सो एफ एम इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी तो ये हो गया फार्मूला अगर अर्बिट्री कोई भी वायर है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे अर्बिट्री शेप का वायर अगर आपका इंटीग्रेशन हो गया तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया है आ जाएगा अगर इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो मैथ्स में इंटीग्रेशन आएगा तब यह फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके okay? तो यह समझ में आ गया ये इजी है इस तरह का फॉर्मूला में टोटल फोर्स जब शेप स्ट्रेट नहीं है कोई भी शेप का वायर है तो यह फार्मूला अप्लाई होगा नाउ फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड पी अब हम फोर्स स्ट्रेट वायर के लिए फाइंड कर चुके हैं आर्बिट्ररी शेप के लिए फाइंड कर सकते हैं अब सर्किट के लिए सर्किट क्या होता है उसके दोनों एंड एक जगह से या ज्वाइंट होते हैं उसे हम कहते हैं सर्किट या क्लोज पाथ जो होता है उसे हम कहते हैं सर्किट वायर का क्लोज पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं सर्किट कहते हैं सो अब ये क्लोज सर्किट है हमारा ये क्या है हमारा क्लोज सर्किट मीन्स ये वायर है सी वायर है हमारा तो ये कहीं भी ओपन नहीं है तो ऐसे ही वायर को हमें क्या फाइंड करना है इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है सो so ऑलरेडी हमने इक्वेशन फाइंड किया है अर्बिट्ररी शेप के लिए क्या है एफ एम इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन डी ए क्रॉस बी अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे इसी एक्सप्रेशन को कैन बी एक्सटेंडेड टू द क्लोज वायर सर्किट अब ये क्या है क्लोज वायर है कोई भी शेप नहीं है पहले वायर दोनों वायर वायर के एंड ओपन थे अब यहाँ क्लोज है सर्कल में अगर मैंने इसको क्लोज किया है तो अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा एफ एम आई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज तो ये सर्कल आ गया है मीन्स क्लोज सर्फेस के लिए ये इंडिकेट क्या करता है सिर्फ सर्फेस क्लोज है सो इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सर्फेस इज़ डी एल क्रॉस बी अब देखो हम डी एल कंसिडर कर रहे हैं चलो मैं यहाँ एक डी एल कंसिडर करता हूँ और एक डी एल यहाँ कंसिडर करता हूँ सपोज करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे ओके okay, अब देखो करंट के डायरेक्शन में अगर मैं लेंथ को लेता हूँ तो यहाँ करंट कौन से डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हम हमारा डी एल वैक्टर होगा यहाँ के लिए डी एल वैक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में अगर यहाँ मैं डी एल स्मॉल पोर्शन लेता हूँ तो उसका डी एल वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ डी एल वैक्टर अपवर्ड होगा अगर हम सारे डी एल के ऐसे एडिशन करेंगे सो ये डी एल पॉजिटिव में ये निगेटिव में ये डी एल पॉजिटिव में निगेटिव तो हर एक एल वेक्टर के लिए अपोजिट वेक्टर यहाँ होगा तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा जीरो इसका एडिशन क्या हो जाएगा जीरो सो इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन में बोल रहा हूं अगर हम सम लेंगे तो सो इंटीग्रल ओवर द क्लोज सर्किट सी फॉर यूनिफॉर्म फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड इज गिवन बाय एफ एम इज इक्वल टू आई क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इंटू बी बी का वैल्यू तो सेम रहेगा आउटवर्ड आ रहा है मीन्स बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है बी यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म फील्ड है तो मिस बी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा लेकिन अब देखो मैंने कहा डी एल वैक्टर है वैक्टर क्वान्टिटी को डायरेक्शन होता है तो इस डी एल को सपोज इस डायरेक्शन है लेकिन यहाँ का डी एल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इसके अपोजिट में तो इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ भी वैसे ही कोई भी आप डी एल चूज करो उसके लिए अपोजिट डी एल उसके सामने ही होगा ओके उसके सामने ही होगा हर एक डी एल के लिए एक डीएल सामने होगा तो इनका एडिशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा जीरो तो फोर्स क्या हो जाएगा डीएल इज इक्वल टू जीरो देयर फोर फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो क्लोज सर्किस सर्फेस के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है जीरो होता है मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ क्लोज लूप और क्लोज सर्फिस इज जीरो समझ में आ रहा है और एक एग्जांपल देता हूं क्लोज लूप का तो और क्लियर हो जाएगा सपोज क्लोज लूप हमारा स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है इसका लेंथ ए है इसका ए है इसका बी है और इसका भी बी होगा करेक्ट अब देखो अगर इसका डायरेक्शन इस लेंथ का डायरेक्शन ये है अब करंट ऐसे घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ए एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ए प्लस ए माइनस दोनों का ऐड करेंगे तो ज़ीरो अगर बी को ऐड करेंगे तो ज़ीरो तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ज़ीरो लेंथ वेक्टर क्या हो जाएगा जीरो देर फोर इसका अगर मैग्नेटिक फोर्स हम फाइंड करेंगे एफ एम इज़ इक्वल टू जीरो मिलेगा हमें बी इज़ अ यूनिफॉर्म तो ये समझ में आ गया तो अब हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश होता है थैंक यू